नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वाराणसी से। दसाव मेघ क्षेत्र के मीरघाट मोहल्ले में हथियार बंद बदमाशों ने समाजवादी पार्टी नेता के घर पर दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। हमलों में एक बच्चा सहित 6 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया है कि सपा नेता विजय यादव के तहरीर पर 5 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। उसने शिकायत के हवाले से बताया है कि सोमवार को अंकित यादव और उसके साथियों ने रंजिश को लेकर सपा नेता विजय यादव के घर पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि हमलावर पूरे परिवार को जान से मारने की नीयत से आए थे। सपा नेता ने बताया है कि 6 वर्षीय बच्चे निर्भय यादव की दाई जांग और किरण यादव तथा दिनेश यादव के पैर में गोली लगी है तथा उनकी पत्नी रंजनी यादव के सिर में चोट लगी है। इसके अलावा परिवार के उमेश यादव और शुभम उर्फ गोलू यादव भी घायल हो गए हैं। उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वाराणसी से, जहां सपा नेता के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस गोलीबारी के बाद पूरा इलाका दहल उठा है, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आसपास के लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही दोस्तों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।